ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्षत्रिय सम्राट महीर भोज प्रतिहार के 1183वीं जयंती के खास अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राणा यशपाल सिंह सिसोदिया ने भाग लिया। तो वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक गुलचैन सिंह चारक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं जयंती के अवसर पर कहलूर रियासत के राजा शुभेंद्र नारायण चंद और कोटखाई रियासत के राजा राणा त्रिभुवन राज सिंह सहित राजकुमारी शुभानी राज्यलक्ष्मी और हिमाचल राजपूत महासभा के महासचिव के एस जम्बाल ने शिरकत की। क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी के 1183वीं जयंती के खास अवसर पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राणा यशवंत पाल सिंह सिसोदिया ने की। तो साथ ही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक गुलचैन सिंह चारक बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं जयंती समारोह के दौरान कहलूर रियासत के राजा शुभेंद्र नारायण चंद और कोटखाई रियासत के राजा राणा त्रिभुवन राज सिंह सहित राजकुमारी शुभानी राज्य लक्ष्मी और हिमाचल राजपूत महासभा के महासचिव के एस जम्बाल ने भी खास तौर पर शिरकत की। वहीं इस जयंती समारोह में क्षत्रिय समाज से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विशेष क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को भी सम्मानित करने का काम किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक गुलचैन सिंह चारक ने जहाँ सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार को याद करते हुए इस दिवस पर सभी को अपनी शुभकामनाएं दी, तो साथ ही क्षत्रिय समाज को एकजुट होकर आगे चलने की बात भी कही। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राणा यशपाल सिंह सिसोदिया ने आरक्षण के मुद्दे पर सरकारों को घेरते हुए आरक्षण खत्म किए जाने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने आरक्षण खत्म न किए जाने पर उसे जातिगत आधार के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर तय करने की केंद्र सरकार से मांग की है। मैं तो अवतार कहूंगा, महान अवतार महाराजा महीर भोज परिहार जी के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर जो मुकुट है भारत माता का उस सबकी तरफ से और क्षत्रिय समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो हमारे लिए देश के लिए पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत तो है ही, हमें शक्ति प्रदान करें, अपना आशीर्वाद दें। यहाँ भी उनकी रूह है, जिस जिस शोबे में हम हैं, किसी भी फील्ड में हम कार्य कर रहे हैं, अच्छे ढंग से ईमानदारी से कर सकें और समाज के अंदर जो हमारा एक दायित्व है, रोल है, उसको हम प्ले कर सकें। गरीब की कोई जाति नहीं होती। आज जब हम ये बात करते हैं आरक्षण खत्म करने की, तो दूसरी तरफ से आवाज उठती है कि पहले जातिवाद खत्म करो। अरे जातिवाद तो सरकार ही खत्म नहीं कर रही। हम गाड़ी के पीछे ठाकुर राणा राजा कुछ नहीं लिख सकते, लिखते हैं कोई पूछता नहीं, अलग बात है, लेकिन कानून नहीं लिख सकते क्योंकि ये जाति सूचक शब्द। लेकिन जब कोई सरकारी फॉर्म भरना होता है तो वहां पर जाति का कॉलम बना है। यहां से दो जातियां बची हैं, गरीब और अमीर की, बाकी सब बेकार है। तो मैं चाहूंगा कि आरक्षण खत्म किया जाए या इसको आर्थिक आधार पर किया जाए, और आर्थिक आधार भी अगर तय कर रहे हैं तो 8 लाख कोई सीमा नहीं होती, 3 लाख करोड़।